नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी अम्मा के साथ मिलकर वेस्ट मटेरियल से क्रिसमस विंडर वंडरलैंड गार्डन बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, मैरी क्रिसमस। सबसे पहले हम पेपर कप से मिनी हाउस बनाएंगे। इसके लिए हम पेपर कप की आउटर सरफेस में वाइट एक्रिलिक कलर का बेस कोट पेंट करके इसे ड्राई होने देंगे। अब हम क्रिम्सन एक्रिलिक कलर को पेंट करके इसे ड्राई होने देंगे। अब हम हाउस की रूफ बनाने के लिए सिल्वर ग्लिटर फोम शीट से एक सर्कल कट करेंगे। अब हम इस सर्कल में कट लगाकर इसके दोनों एंड्स को आपस में स्टिक करेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिकी फोम शीट हो तो आप ग्लू से इसे स्टिक कीजिएगा। अब हम कप को उल्टा रखकर इसके ऊपर फोम शीट को स्टिक करेंगे। अब हम डोर एंड विंडोज बनाने के लिए सिल्वर फोम शीट के पीसेस कट करके इसे कप में स्टिक करेंगे। इस तरह से हमारा मिनी हाउस बन गया है। अब हम क्रिसमस ट्री बनाने के लिए भुट्टे के अंदर वाले पार्ट का यूज करेंगे। इसके लिए हम इसे लाइट ग्रीन कलर से पेंट करके ड्राई होने देंगे। अब हम ट्री के बेस के लिए बॉटल कैप को डेकोरेटिव टेप से कवर करके इसे कॉर्न स्टिक के नीचे स्टिक करेंगे एंड इसे ड्राई होने देंगे। अब हम ट्री को डेकोरेट करने के लिए इसमें डेकोरेटिव फ्लावर्स, पर्ल्स, बीड्स स्टिक करके इसे ड्राई होने देंगे। अब हम क्राफ्ट पंच की हेल्प से फोम शीट से दो फ्लावर्स कट करके इन्हें आपस में स्टिक करेंगे एंड इस फ्लावर को ट्री के ऊपर स्टिक करके इसे ड्राई होने देंगे। अगर आपके पास पंच ना हो तो आप फ्लावर्स ड्रॉ करके इन्हें सीजर से कट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा क्रिसमस ट्री बन गया है। अब बेस बनाने के लिए हम पेंट बॉक्स का ढक्कन लेके सबसे पहले इसमें ग्रीन ड्रिंकिंग स्ट्रॉस के छोटे छोटे पीसेस स्टिक करके इसे ड्राई होने देंगे। अब हाउस की रोड बनाने के लिए हम ब्राउन फोम शीट के एक पीस को लिड में स्टिक करेंगे। अब हम मिनी हाउस, सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री सभी को लिड में स्टिक करके इन्हें ड्राई होने देंगे।
अब हम आइस बनाने के लिए कॉटन को पूरी लिड में स्टिक करेंगे, जिससे लिड पूरी तरह से कवर हो जाए। अब हम थोड़ी सी कॉटन को हाउस के रूफ में एंड क्रिसमस ट्री में आइस की तरह स्टिक करके इन्हें ड्राई होने देंगे। इस तरह से हमारा क्रिसमस विंटर वंडरलैंड जैन गार्डन बन गया है एंड आप चाहें तो इसमें लाइट्स भी लगा सकते हैं।